वर्षों से रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे छात्र को जब ये पता चलता है कि एएलपी का सिर्फ 5696 वैकेंसी आने वाला है तो कहीं ना कहीं उसका आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए अभी हम पटना में हैं और यहाँ पर पटना के मुसल्लापुर हाट में छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और ये आ चुके हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थान जा रहे हैं। इन लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं, दिखाइए भीड़ किस प्रकार से छात्र आ चुके हैं और लगातार ये किस चीज की मांग करते हैं। सुनिए मांगे क्या है आप लोगों की? देखिए हम लोगों को जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 6 साल के बाद में ये एएलपी की वैकेंसी आई है, लेकिन एएलपी की वैकेंसी हम लोगों ने उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी कम मात्रा में वैकेंसी आएंगे और कितने लोगों जो है अभी बिहार ने पूरा भारत में बेरोजगार है। रोजगार के लिए हम लोग रेलवे के एक निर्भित होकर के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से तैयारी करने के बावजूद भी आज हम लोगों को जो है कितना दिन से तैयारी कर रहे, 6 साल से कहीं ना कहीं 2018-19 के बाद से, 18 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आया। 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से कितना उम्मीद कर रहे थे कितना वैकेंसी तो आना ही ऊपर हम लोग उम्मीद करते थे कि वैकेंसी आनी चाहिए। एएलपी और टेक्नीशियन में पिछली बार जो 64-65 हजार वैकेंसी थी, इस बार आप लोग को क्या उम्मीद लग रहा था कि इतनी वैकेंसी आएगी? कम से कम 1 लाख वैकेंसी की उम्मीद कर रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ हम लोग का खुद, और देखिए खुद रेल मंत्री बोले थे संसद में कि रेलवे में 2.5 लाख से ऊपर वैकेंसी है रेलवे में, तो अब जब उतना 2.5 लाख वैकेंसी होने के बाद भी रेलवे क्यों नहीं वैकेंसी दे रही है जो कि 5-56 सौ कुछ दिखा रही है एलपी टेक्नीशियन का? तो हमें यही रेलवे रेलवे मिनिस्टर खुद बोला है कि 2,74,000 सीट खाली है, 2,74,000 सीट में 5600 वैकेंसी दिया हो और रेलवे मिनिस्टर से हमारे स्टूडेंटों का बस यही अनुरोध है कि हम लोग हर फसाई और कांस्टेबल का 2,200 वैकेंसी है और हर चीज के लिए अगर स्टूडेंट प्रोटेक्ट करे तो पढ़ेगा कब, तैयारी कब करेगा? रेलवे में पहले वैकेंसी के लिए प्रोटेक्ट करे, फिर एग्जाम के लिए प्रोटेक्ट करे, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेक्ट करे, फिर ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेक्ट करे और इतनी कम मात्रा में सीट देने के बाद कल से और वरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी तक नोटिस भी आया, कई साइड से नोटिस को हटा दिया गया, स्टूडेंट का उम्र एक्सपायर कर रहा है, आत्महत्या करने पर स्टूडेंट उतर जाएंगे अगर ऐसा रहा तो आत्महत्या करेगा। लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर रेलवे वैकेंसी नहीं बढ़ाएगी तो हम लोग को सोसाइटी के अलावा क्या मांगे क्या है आप लोग? वैकेंसी बढ़ाया जाए, हम लोगों की जाए, वैकेंसी नहीं बढ़ी तो हम लोग आत्महत्या, वैकेंसी बढ़ाई जाए रेलवे में, वैकेंसी बढ़ाया। टीचरों को हम यही कहना चाहेंगे कि कोर्स बेचना बंद करें और स्टूडेंट के हित में अपना नहीं उनको बनाया है ना, पटना वाले जितने सर, एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, एक पटना वाले जितने सर आप लोग के साथ हैं, जी बिल्कुल हम लोग का सबसे बात हुई है, हम लोग की सबसे बात हुई है। अगर मान लीजिए कि आप लोग की बात नहीं मानी जाती है, वैकेंसी की संख्या को इंक्रीज नहीं किया जाता है, अनुरोध करेंगे कि वो आए, खान सर से अनुरोध करें वो वीडियो बनाए उन लोगों के पास, हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं खान सर से और वो वीडियो बनाए। नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाया नहीं जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? आप प्रत्याय कर लेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी को अगर बढ़ाया नहीं जाएगा तो हम लोग किसी भी तरह की हद की सीमा को पार करने के लिए मजबूरन हो जाएंगे और हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास बेरोजगारी ही है, अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग जो है एकदम बिल्कुल सरकारी नौकरी रेलवे के ही भरोसे रुके हुए हैं। बिहार यूपी और झारखंड के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र सब रेलवे के भरोसे ही है, कोई एसएससी का फॉर्म नहीं भरता और 6 साल का वेटिंग हो गया है, 6 साल के बाद भी ये करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं? कम से कम कितने वैकेंसी चाहिए? 1 लाख। जब 18 में 65 हजार वैकेंसी था, इस बार तो कुछ ज्यादा ही वैकेंसी आनी चाहिए। हम कितने 1 लाख वैकेंसी जितने रेल मंत्री ने कहा कि उनका उतना पद खाली है, जितना भी रेलवे में सीट खाली है सभी को ला करके बच्चों लोगों को रोजगार देने का काम करें। देखिए कहीं ना कहीं पटना में ये छात्र थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इतनी जो वैकेंसी अगर आती है ऑफिशियली, कल से अगर फॉर्म भराई होना है उनका, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है, वैकेंसी की संख्या को बढ़ाई जाए।
और ये लोग कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई नहीं जाती तो इसके बाद भी ये अगला कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। और छात्र किस प्रकार की बातें कह रहे थे, बाकी आप इतनी कम वैकेंसी पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।